काफ़ी सैड होती हूँ, रोना ही आता रहेगा। तो मैं मार भी बहुत खाती थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और देखो मैं आम खा रही हूँ। ये दशहरी आम है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। सबसे अच्छा मुझे दशहरी ही लगता है। थोड़ा सा रोई भी हूँ पति के रहमो करम से, कोई बात नहीं। आंसू भी, आंसू की भी किसी को फिक्र नहीं रहती, खुद ही रो छुपके। छुपके क्या, दिखा के भी रो तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है। रो खुद से ही, आंसू भी पोछो। इस टाइम मैं अपने अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब वो थे ना तो मैं गलतियाँ करती थी। मैं बहुत बदमाश थी बचपन में, मार भी बहुत खाती थी। लेकिन जब मैं रोती थी ना तो वो मुझे बिल्कुल भी रोने नहीं देते थे। बोलते थे बेटा शांत हो जाओ नहीं तो तुम्हारी आँख खराब हो जाए। पर अभी ऐसा नहीं समय को मिलता, अभी खुद ही रो, खुद से ही पूछो, ऐसा होता है। आंसू की कदर ना किसी को भी नहीं होती सिवाय माँ बाप के। माँ बाप हमें रोने नहीं देना चाहते। कुछ पति भी होते होंगे लेकिन हमारे तो ऐसे नहीं है कि हमारे आंसुओं से उनको फर्क पड़े, उनको बुरा लगे, वो मुझे शांत करवाए या फिर मतलब। तो इंसान से तो सबसे गलती होती है। ऐसा होता है ना कि सामने वाला रोता है तो खुद को तकलीफ होता है, ऐसा नहीं होता। खुद ही रोती हूँ, खुद ही शांत होती हूँ, खुद ही मूड फ्रेश करती हूँ। रोना आ रहा था तो इसलिए मैं सोची आम खाती हूँ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना, मतलब जब मैं कभी काफ़ी सैड होती हूँ तो मुझे ना मैं सोचती हूँ क्या करूँ, क्योंकि ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी होता है, रोना ही आता रहेगा। तो मैं सोची आम ही खाती हूँ, फ्रिज में आम पड़े थे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं दो दो आम खाई हूँ। सोचती हूँ अच्छा भी सोचती हूँ बुरा भी। मैं सोचती हूँ मेरे रोने से मेरा ही नुकसान होगा ना, मेरा ही सर दुखेगा, मेरी आंखें दुखेंगी, तो इसलिए मैं शांत रहने की ये चीज़ें लेके आई हूँ। इसको खाऊंगी और बिजी हो जाऊंगी। आंसुओं की कदर नहीं है मेरे हस्बैंड को, रुलाते हैं ना जब मैं रोती हूँ तो ऐसा लगता है ना वो उनको बहुत खुशी मिलती है अंदर से, क्योंकि वो मुझे कड़वी कड़वी बातें बहुत बोलते हैं जब मैं रोती हूँ। तो ऐसा मुझे फील होता है कि उनको बहुत खुशी मिलती है मुझे दुखी करके। कोई बात नहीं, अपनी अपनी नसीब है, मेरे नसीब में यही थी।